पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 1980 में मुरादाबाद में हुए दंगे को लेकर मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि ईदगाह की नमाज में हुए दंगे में पीएसी ने गोलियां चलाकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पीएसी ने इंसानियत का कत्ल किया था, जिसके लिए पीएसी पूरी तरह जिम्मेदार थी। तो वहीं तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों से जब बात की गई, तो उनका कहना था कि हम पुलिस बल का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते हैं, चाहे इंसानों का कत्ल करना पड़े। सपा सांसद ने कहा कि जितनी पीएसी जिम्मेदार है, वही उस वक्त की कांग्रेस सरकार भी उतनी ही दोषी है। सरकार ने गोली चलाने वाले पीएसी के जवानों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मरने वालों का पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। दोषी पीएसी के जवानों को सजा मिलनी चाहिए। आचार्य जी अपनी पार्टी के नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं, अब उनको जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं। हर आदमी अपने नेताओं को प्रमोट करता है, हालांकि कांग्रेस के अंदर बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी भी, और प्रियंका जी खुद तैयार भी नहीं है इस काम के लिए। तो बड़ा उनका सजेशन राहुल जी के होते हुए बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन हम इसमें क्या कह सकते हैं। हर आदमी, हर पार्टी वाला चाहता है कि उसका नेता जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा नेता प्राइम मिनिस्टर बने। ये डिपेंड उस पर करता है कि किसके कितने एमपीज आते हैं। कानून मंत्री बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल को, इससे पूर्व किरण रिजिजू थे, क्या कहना चाहिए सर? ये पता नहीं क्यों ये सरकार मोदी जी की कानून मंत्रियों के पीछे पड़ी हुई है। पहले रविशंकर प्रसाद जी को हटा दिया और अब किरण रिजिजू जी को हटाया और अर्जुन मेघवाल जी को बनाया। इसके पीछे क्या राज हैं, क्या गोपनीयता है, क्यों हटाया जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट से सही पटरी नहीं मिल रही हमारे कानून मंत्री की, या ये कुछ ऐसे कानून लाना चाहते हैं जो हमारे कानून मंत्री लोग तैयार ना हो, ये तो वो ही बता सकते हैं कि क्यों हटा रहे हैं बार बार। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी और एएमआईएम ने एंट्री कर दी और समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर, क्या मानते हो आज के चुनाव? देखिए, ये टेम्परेरी फेज होते हैं। यह चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है, चेहरों के ऊपर चुनाव होता है। पार्टी की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती है निकाय चुनाव के अंदर। जनता को मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है, वही उसे हरा सकती है और हराया भी है। तो ये टेम्परेरी मामला थे, आगे आप देखना, सारा वोट फिर समाजवादी पार्टी में ही लौटना है और समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करके बीजेपी को हराया जा सकता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।